छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल शुरू हो गया है, इसी को लेकर सभी पार्टियां अलग अलग रणनीति बनाने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में सांसद सुनील सोनी ने मीडिया को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव का मुख्य आधार मतदाता है। यदि मतदाता को मतदान करने के लिए नहीं मिलेगा तो निष्पक्ष चुनाव में प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। तो वही सांसद सुनील जोशी ने कांग्रेस पर मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने के भी आरोप लगाए। बूथ लेवल ऑफिसर वो हड़ताल कर रहे हैं तो बूथ पर कौन बैठेगा, और जिनको मतदाता का नाम जोड़वाना है और नाम कटवाना है, ये दोनों महत्वपूर्ण है। ऐसे जो फॉर्म 6 और 7 ये निःशुल्क मिलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं दे रहे, जबकि देश के निर्वाचन में यह तय है कि जो बीएलओ है वो घर घर जाकर संपर्क करके नए मतदाता को जोड़े, उसके पास में जो मतदाता सूची है अगर उस मकान नंबर के अंदर में वो नहीं पाए जाते तो उनका नाम काटने का काम करे, एक निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था करे। लेकिन दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ के अंदर यह कुछ नहीं हो रहा है। मेरे पास में एक नहीं 3 प्रेस के लोगों का भी फोन आया था, हम लोग भी नाम जुड़वाना चाहते हैं, और कुछ प्रेस के बंधु जो बाहर गए वो चाहते हैं कि हमारा नाम यहां से कट जाए ताकि दूसरी जगह हमारा नाम का जुड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, वो भी हताश और निराश है। और छत्तीसगढ़ के अंदर में हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हमने लगातार शिकायतें की है, जिसके प्रमाण हमारे सामने में है। हमने लगातार रेल मंत्री जी से हमने मुलाकात की, अभी बहुत सारी प्रमुख ट्रेनें सामान्य भी हुई है, कोई व्यवधान आया है जिसको हम नया रेल जिसको कहता हूं मैं, जिस 25,000 करोड़ रुपया भारत सरकार रेल में खर्च कर रही है छत्तीसगढ़ के अंदर, और बीच बीच में क्योंकि आज हमारी जो पटरियां हैं वो 60 और 70-80 तक के स्पीड की है, लेकिन आने वाले समय में फास्ट ट्रेनें आए जो 140 की स्पीड में आए, उसका जो काम चल रहा है और इस कारण थोड़ा सा ब्रेक लेकर जहां पर काम पूरा हो सकता है इसलिए थोड़ा जनता को कष्ट हो रही है। मैं सहमत हूं इस बात से।